मेरा नाम मोइनुद्दीन कुरैशी है, मैं महाराष्ट्र तेलंगाना से चल रहा हूँ और अभी हमारी यात्रा जो है ये हरियाणा के पानीपत के जिले में पहुँची है। मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे लोगों का बहुत ही जन समर्थन राहुल गांधी के प्रति प्यार दिखने को मिल रहा है और मैं चाहता हूँ कि इसी तरीके से प्यार सारा देश राहुल गांधी जी को करे। नमस्कार, मेरा नाम विक्रम प्रताप सिंह है, मैं पेशे से अधिवक्ता हूँ और मैं राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा के लिए मध्य प्रदेश के जैसे ही स्टार्टिंग हुई है वहाँ से मैं इस यात्रा को ज्वाइन किया था और मैं राहुल गांधी जी की इस यात्रा को प्रचार प्रसार के लिए 28 अक्टूबर से ही जूते चप्पल का त्याग कर दिया था। राहुल गांधी जी की इस यात्रा के लिए मैं नंगे पैर चलने का मेरा उद्देश्य इस देश की एकता अखंडता के लिए, जिस प्रकार राहुल गांधी जी एक टी शर्ट में चल रहे हैं, राहुल गांधी जी इस देश में धार्मिक जो विद्वेष फैला हुआ है उसको रोकने के लिए जो लड़ रहे हैं, हम उनके संकल्प को उनके कंधे को मजबूत करने के लिए इस यात्रा को नंगे पैर यात्रा कर रहा हूँ। बहुत सारी परेशानी आती है, अभी हरियाणा पहुँचे हैं, हरियाणा में 4 डिग्री सेल्सियस का तापमान है तो लोगों ने मेरे नंगे पैर में जूते डालने के लिए बात कही। अगर मेरे पैर में जूते डल जाएंगे, अगर इससे देश की व्यवस्था अगर सुदृढ़ हो सकती तो मैं निश्चित तौर पर पहन लेता, लेकिन मैं देखता हूँ कि जिस प्रकार राहुल गांधी जी एक टी शर्ट, और मैं मध्य प्रदेश से हूँ तो मैं एक और नाम जोड़ना चाहूँगा आदरणीय दिग्विजय सिंह जी का, कि 77 साल की उम्र में इस 4 डिग्री सेल्सियस में किस प्रकार से वो इस यात्रा का पूरे तरीके से अपना समर्थन के साथ साथ पूरी यात्रा को करते हैं। तो हमें एक राहुल गांधी जी और दिग्विजय सिंह जी से इस देश को सीखने के लिए मिल रहा है कि हम किस प्रकार से भारत की एकता और अखंडता के लिए कार्य कर सकें। दोस्तों, मेरे साथियों, ये राहुल गांधी जी की यात्रा कांग्रेस की यात्रा नहीं है, ये राजनीति की यात्रा नहीं है, ये देश को जोड़ने की यात्रा है, ये देश को एक करने की यात्रा है, ये यात्रा है युवाओं को जो बेरोजगार हो रहे हैं उनको रोजगार की किस प्रकार से व्यवस्था की जाए, देश के अंदर किस प्रकार से निजीकरण दूसरे हाथों में जा रहा है, निजीकरण हो रहा है उसको कैसे रोका जाए, इन सभी बातों को लेकर हम सब दिल में ठान कर बैठे हैं कि राहुल गांधी जी की इस यात्रा को जो कन्याकुमारी से कश्मीर निकली है लाल चौक में झंडा फहराकर हम देश को एकता का संदेश देंगे।